इलेक्ट्रिक कैटल है यहाँ पे अवन है टोस्टर है एवरीथिंग इज जो जोशिंग मशीन भी मौजूद है अब चलते हैं आगे और आपको दिखाती हूँ ला जाते हैं बेडरूम की तरफ जो कि है बहुत ही जबरदस्त बहुत स्पेशियस तो ये उन लोगों के लिए है जो कि अच्छी खासी स्पेस में एक अच्छा और लग्जरी फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल फॉर एयरबीएनबी या फिर हॉलीडे होम्स बिकॉज आप जब भी घूमने फिरने के लिए आते हैं दुबई देर मस्ट बी वन पॉइंट इन योर माइंड जो भी आप लोकेशन ढूंढ रहे हैं फॉर योर शॉर्ट टर्म स्टे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड भी ऑन वॉकिंग डिस्टेंस या फिर नेटो में होने चाहिए एंड मेट्रो ट्रेन एंड मेट्रो बस इज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस फ्राम दिस अपार्टमेंट विस लग्जरी अपार्टमेंट दीज अपार्टमेंट्स आर होटल अपार्टमेंट होटल अपार्टमेंट्स बेसिकली वो अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सर्विस्ड होते हैं यहाँ पे जी आपको तमाम सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी और उसके साथ साथ जी देर इज कैफेटेरिया या फिर रेस्टोरेंट कह लें हाउस इन रेस्टोरेंट है लाइक अगर आप लोग रहते हैं यहाँ पे यू कैन अटेंड योर मीटिंग्स यू कैन डाइन इन हेयर एंड उसके साथ साथ जिम है स्विमिंग पूल है और जकूज़ी एवरी एवरीथिंग इज हेयर यू कैन इंजॉय ऑल द लग्जरीज इन योर शॉर्ट टर्म स्टे सो हेयर वी आर वी आर गोइंग टू हैव द टूर ऑफ दिस अपार्टमेंट अस्सलाम वालेकुम आज मैं आप लोगों को विज़िट कराने लगी हूँ एक फाइव स्टार प्रॉपर्टी फाइव स्टार इसको मैं क्यों बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं सबसे पहले थी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इसके बाद जी स्कूल्स विद इन द कम्युनिटी एंड इट्स अ गेटेड कम्युनिटी और उसके अलावा जी जिम जकूजी सोना तमाम लग्जरी जितने भी फैसिलिटीज होती हैं, they all are here, और अपार्टमेंट इज वेरी लग्जरी, जल्दी जल्दी इसका टूर करते हैं आपको दिखाती हूँ बाद बाद पे। आप तो जल्दी, जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें बिकॉज कमिंग डेज में आपके साथ और भी जबरदस्त लग्जरी अफोर्डेबल हर तरह के ऑप्शन शेयर करने वाली दो या आगे जी किचन जब आप घूमने फिरने के लिए भी आते हैं और शॉर्ट टर्म रेंटल में रहते हैं तो सबका दिल करता है की किचन शुड बी वेल इक्विप्ड क्योंकि आप हर वक्त डेली थ्री टाइम्स बाहर से तो नहीं खा सकते तो यहाँ पे जी एक ज़बरदस्त सा किचन है कि अगर आपका दिल करे कि अगर आप घर से बाहर हैं आपका कुकिंग करने को दिल कर रहा है तो ऑल फैसिलिटीज़ आर यह है ये फ्रिज फ्रिज के ऊपर है स्टोरेज स्टोरेज के साथ ही यहाँ पे कुकिंग रेंज लगा हुआ है अगर आप चाहें तो बेकिंग भी कर सकते हैं या फिर जस्ट कुकिंग और उसके अलावा जी साथ साथ ये आ गया है यहाँ पे सिंक और बार फॉर डिश वॉशिंग और जी माइक्रोवेव लगा हुआ है टोस्टर है नाइफ्स है तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी मौजूद है अब चलते हैं आगे और आपको दिखाती हूँ लाउंज और जी ये देखिएगा एक जबरदस्त सी डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखी हुई है बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के साथ और उसकी तरफ आ जाते हैं जी सोफा सेट की तरफ और सोफा बहुत ही खूबसूरत है और इस लाउंज का जो व्यू है अब उस पर बात करते हैं इधर है वैसे तो शॉर्ट टर्म रेंटल वालों के लिए जो बच्चों के साथ आते हैं उनको स्कूल की जरूरत नहीं है लेकिन व्यू के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म रेंटल के लिए इफ़ यू आर लुकिंग इन दिस एरिया के आपको अपार्टमेंट चाहिए तो यहाँ का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे विद इन वॉकिंग डिस्टेंस स्कूल मौजूद है और उसके साथ जी ये लाउंज में टीवी लगा हुआ है और टीवी के साथ ये पूरा एक जबरदस्त मॉडर्न स्टाइल का टीवी यूनिट है बाद जाए चलते हैं बेडरूम का विजिट करते हैं इतनी ते देर में जी जीतलैन को पाकिस्तानी होम अब्रॉड को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो गाय यहाँ पे ये है पाउडर रूम जो कि होता है लाउंज के साथ कॉमन बाथरूम भी इसको कहते हैं जो कि गेस्ट के लिए होता है और उसके बाद जी आ जाते हैं बेडरूम की तरफ जो कि है बहुत ही जबरदस्त बहुत स्पेशियस अटैच बाथरूम्स हैं और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बाथरूम है और यहाँ पे ये बेसिकली होटल अपार्टमेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी टॉवल, शैम्पू जैसे कि आप होटल्स में जाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो आपको यहाँ पे भी तमाम वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी नाउ कम टू द बेडरूम सबसे बड़ी जी मिरर लगा हुआ है जो कि मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में भी बताया था लेडीज़ के लिए फेवरेट होता है व्हेन यू गेट रेडी तो मिरर लाजमी चाहिए होता है तो फुल मिरर लगा हुआ है उसके साथ आयरन स्टैंड रखा हुआ है और क्लोदिंग स्टैंड रखा हुआ है इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई योर क्लोथ्स एंड उसके बाद ये जी सिंगल बेड है जो कि डबल करके रखे हुए हैं और रूम का साइज बहुत अच्छा है एंड द मैट्रिस इज वेरी कम्फी लिनन इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड क्लीन और यहाँ पे ये ड्रेसिंग भी लगी हुई है इसको एज अ ड्रेसर भी आप यूज कर सकते हैं एज अ स्टडी भी यूज कर सकते हैं अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ आ जाए ये दूसरा बेडरूम है और दिस इज मास्टर बेडरूम अगर आप घूमने फिरने आते हैं आपको पता है टू बेडरूम का जो अपार्टमेंट है फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल दैट इज फॉर बिग फैमिली क्योंकि काफी सारी फैमिलीज भी एक साथ घूमने फिरने आ रही होती हैं दुबई लाइक गल्फ कंट्री से पाकिस्तान से इंडिया से तो ये उन लोगों के लिए है जो कि अच्छी खासी स्पेस में एक अच्छा और लग्जरी फील करना चाहते हैं अच्छा अब यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी टू सोफा चेयर्स रखी हुई हैं यहाँ पे ये डबल बेड है Uh, अच्छा है इसका भी मैट्रेस इस तरफ जी ये बालकनी है और बालकनी में भी बैठ के आप चाय वगैरह पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ ये जी देखें क्लाज्स कितनी ज़्यादा हैं बिल्ट इन क्लाज्स है अच्छी खासी स्पेस है कि अगर बड़ी फैमिली आ रही है लाइक चार पाँच लोग आ रहे हैं या फाइव टू तो सिक्स लोग आ रहे हैं तो यू कैन ईजीली मैनेज योर स्टफ़ इन साइड दीज कबर्ड्स एक और भी आयरन स्टैंड रखा हुआ है इन साइड आयरन लगी हुई है हैंगर्स रखे हुए हैं एवरी इज़ देयर यहाँ पे लॉकर भी लगा हुआ है अगर आप अपनी कोई चीजें वगैरह सेफ आपका कोई वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो यू कैन कीप द लॉकर वगैरह पड़े हुए हैं उसके अलावा कबर्ड के अंदर लाइट्स लगी हुई है तो जी दिस इज सेकेंड बेडरूम जो कि है मास्टर बेडरूम और टीवी भी लगा हुआ है अब जी आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग लुक कितना बड़ा मिरर है इस अपार्टमेंट के अंदर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने हर तरफ मिरर्स ही मिरर्स लगाए हैं और ये इधर इसका बाथरूम है सेपरेट शावर कैबिन बना हुआ है बाथरूम इज़ वेरी नाइस टॉवल्स लगे हुए हैं एंड एवरीथिंग इज देयर लाइक जितने भी शैम्पू सोप्स एवरी थिंग इज देर सब कुछ पड़ा हुआ है आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जिम भी मौजूद है और स्विमिंग पूल भी मौजूद है अभी मैं आपको उसका भी विजिट कराती हूँ तो चलें अब चलते हैं हमारा टूर हो गया है कम्प्लीट अगर आप इस अपार्टमेंट को बुक करना चाहते हैं तो जी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें और अपनी बुकिंग को कन्फर्म कराए मेरा रेफरेंस लाजमी देना है कि आपने पाकिस्तानी मोम अब्रॉड की वीडियो देख के ये बुकिंग कराई है ताकि आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिल सके एंड गाइस दिस एरिया इज़ दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क और ये बहुत ही अच्छा एरिया है रहने के लिए शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए भी ये दुबई से मेन सिटी से थोड़ा सा फासले पे है लेकिन इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है यहाँ दुबई मेट्रो दुबई ट्रेन मौजूद है जिसकी वजह से आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टैक्सी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी और आपका एक्सपेंस इतना नहीं होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पर रह के कम कॉस्ट में चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पर आपके पैसे थोड़े से कम लगेंगे एरिया बहुत अच्छा खूबसूरत है क्लीन है ग्रीन है और रहने के लिए बहुत ही जबरदस्त है तो जी एंड करती हूं आज का व्लॉग, मिलते हैं नए व्लॉग में तब तक लिए अल्लाह